नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री कंप्यूटर ट्रिक्स में। तो जैसा कि मेरा पहला वीडियो जो था दोस्तों, वो Amazon एफिलिएट मार्केटिंग में आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहां पे थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिया हूं दोस्तों, जैसे कि आप कैसे इसको कहां कहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इससे कितना पैसा आप कमा सकते हैं। तो आशा करता हूं वहां से आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया जो है मिल गया होगा दोस्तों Amazon एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो यहां पे इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों आप कैसे इसको आपके ब्लॉग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आपका जो YouTube चैनल यानी कि YouTube में जो वीडियो अपलोड करते हैं डिस्क्रिप्शन में कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं यानी कि लिंक कैसे डाल सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं पार्थ आपके साथ। तो अगर आप ब्लॉगर हो या फिर आपके पास वेबसाइट है या फिर आप एप्लीकेशन डेवलपर हो या फिर आपके पास यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब क्रिएटर हो, तो आप गूगल एडसेंस से इस सभी को मोनेटाइज किया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे सवाल उठता है और काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो भी पूछते रहते हैं, क्या हम गूगल एडसेंस के साथ ये Amazon एफिलिएट मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो यूज़ कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गूगल एडसेंस के साथ ये Amazon एफिलिएट मार्केटिंग उसके साथ आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और ये 100% सेफ है दोस्तों। तो यहाँ पे और एक बात बता दो दोस्तों, आपका जो वेबसाइट है या फिर आप जो YouTube चैनल चला रहे हो वो किस रिलेटेड है? ठीक उसी रिलेटेड आइटम्स, Amazon में जो आइटम्स आप सेल करना चाहते हैं Amazon एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए, सिर्फ उसी रिलेटेड आइटम आप चूज करें ताकि वो सेल हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा, जैसे कि मेरा चैनल है टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स फ्री कंप्यूटर ट्रिक्स जिसका नाम है, वहाँ पे रिव्यू मिलता है आपको, या फिर आप कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग का ट्यूटोरियल ले लीजिए, यूट्यूब रिलेटेड ट्यूटोरियल लीजिए, या फिर बेसिक टेक्निकल आइडियाज जो होते हैं वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ दोस्तों। तो वहाँ पे आपको किस चीज़ की सेल करना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर रिलेटेड आइटम हो गया हो या फिर एसेसरीज हो या फिर मोबाइल्स वगैरह हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, ये सभी आप सेल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे अगर आप क्लॉथिंग वगैरह या फिर बुक वगैरह सेल करने लगे तो वो सेलिंग नहीं होगा दोस्तों। तो ये आप ध्यान में ज़रूर रखें, अगर आप Amazon की जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो ज्वाइन करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, आपका जो वेबसाइट है या फिर आपका जो यूट्यूब चैनल है वो किस रिलेटेड है, ठीक उसी रिलेटेड का आइटम जो है आप वहाँ पर प्रमोट करें यानी कि सेल करने के लिए कोशिश करें दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा दोस्तों आप कैसे Amazon की जो आड बैनर है वो क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप पर्टिकुलर आइटम लेके आप कैसे बैनर यानी कि डिस्प्ले जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप YouTube में जो लिंक पोस्ट होता है आप कैसे वो जो लिंक है पोस्ट कर सकते हैं आपके डिस्क्रिप्शन में, ताकि जो बंदे आपको विजिट करें आपके ब्लॉग में या फिर आपके YouTube चैनल में, अगर वो आइटम वहाँ से क्लिक करके वो खरीदते हैं तो आपको जो परसेंटेज है प्रॉफिट का जो परसेंटेज है आपके Amazon एफिलिएट अकाउंट में आ जाएगा। और उसके बाद जैसे कि मैं पहले बता रहा था, 1000 रुपये अगर आपके अकाउंट में हो गए तो वो ऑटोमेटिक NEFT आपके अकाउंट में, जो अकाउंट आप दिए होंगे बैंक अकाउंट वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आप Amazon एफिलिएट मार्केटिंग को कैसे आपके ब्लॉग में या फिर आप जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं यूट्यूब वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट होता है आप कैसे उसको कर सकते हैं दोस्तों। तो ब्राउजर ओपन करें दोस्तों, ओपन करने के बाद टाइप कीजिए Amazon, वहाँ पे जैसे कि मैं सेव किया हूँ affiliateprogram.amazon.in /home, वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपका ID पासवर्ड देके वहाँ पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि हम विडजेट अभी ऐड करने वाले हैं हमारे ब्लॉग में, तो विडजेट में जाएँ, विडजेट में जाके योर पिक्स में क्लिक करें और यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा माय फेवरेट ऐड टू योर वो पेज, वो क्लिक करें दोस्तों, इसको हम कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप कौन सा प्रोडक्ट ऐड करने वाले हैं वो वहाँ पे टाइप करके गो पे क्लिक करें, जैसे कि मोबाइल में टाइप किया हूँ, यहाँ पे एक मोबाइल में ऐड करना चाहता हूँ मेरे विडजेट में, तो कौन सा मोबाइल ऐड करें नीचे, ये गैलेक्सी M10, और यहाँ पर और एक टाइप करेंगे वीवो फ़ोन भी एक ऐड कर लेंगे, S1 ऐड कर लेंगे, और उसके बाद कंप्यूटर आइटम, एक कंप्यूटर रिलेटेड आइटम जो है कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह, यहाँ पे कौन सा एक आइटम हम चूज कर लेंगे, यहाँ पे इसको ऐड प्रोडक्ट कीजिए, ये ऐड हो गया, बाद में माइक माइक्रोफोन में एक दो ऐड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक माइक जेनेरिक माइक कॉलर माइक जो है ऐड प्रोडक्ट कीजिए, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये भी एक माइक है, कौन सा, हाँ ये वाला माइक एक ऐड कीजिए। तो ये दोस्तों हम ऐड कर लिए 5 आइटम, यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप कीजिए, नेक्स्ट स्टेप
तो आपके वेबसाइट के हिसाब से आप आइटम ऐड करें दोस्तों, जैसे कि हमारा टेक्निकल वेबसाइट है तो हम मोबाइल और कंप्यूटर जो है रिलेटेड आइटम्स हम ऐड किए हैं। तो यहाँ पे आपका उज्जेट जो है उसको कस्टमाइज़ कीजिए, जैसे कि मैं साइड बार में डालने वाला हूँ तो 300 पिक्सल वेट दूंगा उसका, और रो जो है 5 रो कर लूँगा ताकि पूरा प्रोडक्ट जो है एक ही साथ दिखे। तो ये देखिए, ये आपका प्रीव्यू जो है वहाँ पे दिखाई देगा आपको दोस्तों। तो यहाँ पे टाइटल पे आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से, जैसे कि बाय दिस ऑन अमेजन में लिखा हूँ, और यहाँ पे आपको नीचे थोड़ा वो सेटिंग मिल जाएगा। अगर आप रेटिंग दिखाना चाहते हैं तो रेटिंग पे सिलेक्ट करें तो रेटिंग जो आइटम का रेटिंग है वो भी शो हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे सभी करने के बाद सेव में क्लिक करें, नीचे देखिए सेव, सेव में क्लिक करने के बाद इसको स्पेशली एक नाम दीजिए, जैसे कि पहले वाला एक मेरा नाम है, अभी इसको दूसरा नाम देके हम सेव करेंगे। ये सेव हो गया दोस्तों, और सेव होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे ऐड टू माय वेब पेज, ऐड टू माय वेब पेज वहाँ पे क्लिक करें दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट कोड जो है दिखाई देगा दोस्तों, उसको सिलेक्ट ऑल कीजिए और कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आपके ब्लॉग में यानी कि ब्लॉगर में आप लॉगिन करें दोस्तों। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको लेआउट में जाना पड़ेगा, लेआउट, लेआउट में क्लिक करें। लेआउट में क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको, जैसे कि हम साइड बार में डालने वाले हैं तो साइड बार में ऐड गैजेट करेंगे। ऐड गैजेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको HTML और जावास्क्रिप्ट जो है वो ऐड करना है। प्लस मार्क पे क्लिक करें और यहाँ पे कंटेंट में पेस्ट कर लें दोस्तों। पेस्ट करने के बाद इसको सेव करें, और वो जो गैजेट है दोस्तों आप कहीं पे इसको रखना चाहते हैं कहाँ पे, वहाँ पे आप ला के इसको रख दें। रखने के बाद यहाँ पे आपको सेव अरेंजमेंट करना है। देखिए जैसे कि मैं फार्मर रिक्वेस्ट के नीचे रखा हूँ उसको, और सेव अरेंजमेंट करेंगे। सेव अरेंजमेंट करने के बाद दोस्तों इसका प्रीव्यू देख लेंगे एक बार। ये सेव हो गया, सेव होने के बाद व्यू ब्लॉग, व्यू ब्लॉग कीजिए ताकि हम चेक कर लें वो आया कि नहीं आया उधर। और यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ तो आना चाहिए, जो ये रिक्वेस्ट फार्मवेयर के नीचे आएगा दोस्तों, ये रिक्वेस्ट प्लस फाइल, देखिए अभी आ गया। तो इसी तरह आपको दोस्तों यहाँ पे जो आपका गैजेट है अमेजन एफिलिएट का गैजेट जो है वो ऐड हो गया है, और यहाँ से क्लिक करके अगर कोई बंदा ख़रीदता है तो आप इसका जो परसेंटेज है आपका जो अमेजन एफिलिएट अकाउंट है वहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो ये था प्रोसीजर आप कैसे ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आप YouTube में जो डिस्क्रिप्शन में ऐड होता है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वो कैसे करते हैं दोस्तों। तो पहले आपको YouTube में लॉगिन करना पड़ेगा, YouTube में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपके आइकन जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोस्तों YouTube स्टूडियो, YouTube स्टूडियो बेटा में क्लिक करें। बाद में यहाँ पे अमेजन एसोसिएट जो है ओपन लॉगिन हुआ है हमारा, तो इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, amazon.in, अमेजन का जो सेलिंग वेबसाइट है वो भी ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखिए योर ऑर्डर्स में क्लिक करें, क्योंकि मैं जो ख़रीदा हुआ हूँ वही लिंक मैं वहाँ पे देना चाहता हूँ। आप कोई दूसरा चीज़ लिंक देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे डायरेक्ट सर्च करके दे सकते हैं, जैसे कि मैं जो परचेज किया हूँ उसको रिफ़र करने के लिए ये लिंक बनाऊँगा उसका एक, तो वो जो परचेज किया हुआ आइटम उसको ओपन कीजिए दोस्तों। ओपन करने के बाद आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखेंगे ऊपर यहाँ पे गेट ए लिंक पे टेक्स्ट इमेज, टेक्स्ट प्लस इमेज लिखा है, तो फिलहाल हमको टेक्स्ट चाहिए क्योंकि हम यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाले हैं। टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको शॉर्ट लिंक जो है एक मिल जाएगा, उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप यूट्यूब चैनल डैशबोर्ड में जाएँ, यानी कि यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे वीडियोज़ में क्लिक करें। वीडियोज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन से वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप इसको ऐड करना चाहते हैं वो वीडियो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन आ गया, डिस्क्रिप्शन में आप इसको ऐड कर सकते हैं ये लिंक को। आपको थोड़ा बहुत उसमें डिटेल्स लिखना पड़ेगा, जैसे कि देखिए मैं बताऊँगा यहाँ पे लिखा हूँ माई गियर्स, उसके बाद माई माइक बोया BY M1, उसके बाद लिंक, तो ऐसा थोड़ा डिजाइन करके आप पोस्ट कीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिखने के बाद सेव कीजिए। सेव करने के बाद बैक टू वीडियो, बैक टू चैनल करें यार। बैक टू चैनल होने के बाद यहाँ पे आपको प्ले करके देख सकते हैं वो जो आप आइटम ऐड किए हैं वो आया कि नहीं आया है,
यहाँ पे देखिए ये लोड हो गया। लोड होने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे सो मोर में क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए ये जो अमेजन एफिलिएट का लिंक जो है यहाँ पे आ गया है दोस्तों। तो यहाँ से जो भी बंदा खरीदेगा इसका परसेंटेज जो है आपके अमेजन एफिलिएट अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे और एक सेटिंग्स बताऊंगा दोस्तों, अगर आप डिफ़ॉल्ट ऐड करना चाहते हैं ऑटोमेटिक हर डिस्क्रिप्शन में आए ऐड करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में क्लिक करें। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, इसको अगर आप सेट कर देते हैं दोस्तों तो आपको बार बार हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक उस वहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप पेस्ट कर लें या फिर टाइप कर लें माई गियर्स, उसके बाद नंबर वन पे जैसे कि मेरा माइक जो ख़रीदा हुआ है, अगर कोई बंदा वही माइक ख़रीदना चाहता है तो वो यहाँ से ख़रीद सकता है। ये जो है इसका लिंक है दोस्तों, तो बाद में सेव करें। तो इसका फैसिलिटी ये है दोस्तों, आप जो भी वीडियो अपलोड करेंगे ये डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। तो और एक आइटम ऐड करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि एक ग्रीन बैकड्रॉप जो है मैं ख़रीदा था, तो इसको भी सेम आप गेट लिंक टेक्स्ट में क्लिक करें। टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद लिंक को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप वहाँ पे सेम सेटिंग्स में जाके अपलोड डिफॉल्ट्स और यहाँ पे नीचे दो नंबर पे ग्रीन बैकड्रॉप, ग्रीन स्क्रीन, ग्रीन बैकड्रॉप, और बाद में लिंक, तो सेव कर लें दोस्तों। तो आप जो भी यहाँ पे ऐड करेंगे दोस्तों ये ऑटोमेटिक आपका जो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे आप वहाँ पे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट प्लस इमेज आपके वेब में यानी कि ब्लॉग में ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट प्लस इमेज में क्लिक करें, बाद में आपको आई फ्रेम वाला जो HTML कोड है वो मिल जाएगा दोस्तों। ये HTML कोड को आप कॉपी कर लें। अगर आप सिंगल आइटम को ही सेल करना चाहते हैं आपके पेज में यानी कि आपके वेब पेज में तो इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप ब्लॉगर में लॉगिन करें। ब्लॉग में लॉगिन करने के बाद लेआउट में जाएं। लेआउट में जाने के बाद सेम आपको ऐड गैजेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नीचे साइड बार में राइट साइड बार में हम ऐड करेंगे। ऐड गैजेट में आपको सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है दोस्तों, HTML और जावास्क्रिप्ट ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद कंटेंट में इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद सेव कर लें और सेव करने के बाद इसको आप चाहिए तो कहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ तक मूव कर सकते हैं उसको। जैसे कि देखिए यहाँ को ये इसको हम नीचे रखेंगे फार्मर रिक्वेस्ट के बाद, सेम जो अमेजन का जो बैनर था बैनर के नीचे ही आएगा दोस्तों। सेव अरेंजमेंट अब व्यू ब्लॉग, तो यहाँ पे देखिए नीचे ये हमारा आ गया। तो इसको जो भी खरीदता है इसका परसेंटेज जो है आपको अमेजन एफिलिएट अकाउंट में मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप डायरेक्ट होम में अमेजन एफिलिएट होम में सर्च कर सकते हैं। जैसे कि माइक मैं सर्च किया हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सर्च करने के बाद काफ़ी सारे माइक आ जाएंगे। और किसी का भी लिंक चाहिए तो गेट लिंक में क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों, जैसे कि टेक्स्ट एंड इमेज मिल जाएगा, टेक्स्ट ओनली मिल जाएगा, इमेज ओनली मिल जाएगा, आर्ट टू इडजेट मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए टेक्स्ट ओनली पे जैसे HTML है, लिंक है, शॉर्ट लिंक है, तो शॉर्ट लिंक फ़िलहाल तो हम YouTube में ऐड करते हैं, आप YouTube में ऐड कर सकते हैं इसको। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको काफ़ी सारे आइडिया आ गए होंगे अमेजन एफिलिएट आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आपके YouTube में या फिर आपके ब्लॉग में जैसे करते हैं सेम आप वेबसाइट में कर सकते हैं। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसीडियर आप अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग को कैसे आपके ब्लॉग में, वेबसाइट में या फिर यूट्यूब में इसको यूज कर सकते हैं या फिर इंप्लीमेंट कर सकते हैं छोटे छोटे लिंक के द्वारा या फिर आर्ट बैनर क्रिएट करके। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे इसी से फ़ायदा उठा सकें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का जो वीडियो है आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। जय हिंद दोस्तों।